नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की क्राइम टाइम खबरें। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में जुहू सफारी समेत कई निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। नालंदा में सातवीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे, जहां नालंदा जिले में किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर राजगीर पहुंचे थे। कोरोना काल में भी पटना आईआईटी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, इस बार 83.51% छात्रों का हुआ कैंपस सिलेक्शन। कोरोना महामारी में अगर सबसे ज्यादा कोई भी चीज प्रभावी हुई है तो वो है रोजगार। कोरोना काल में लाखों नौकरी चली गई है, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो इस महामारी के बीच भी लोगों को जॉब देने में कोताही नहीं बरत रहे। खास बात यह है कि जॉब देने के मामले में आईआईटी पटना ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एनडीए के सीएम कैंडिडेट नीतीश को जेल भेजने की बात करने वाले लोजपा एनडीए का नमक, मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद पाले बैठे हैं चिराग। बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार में चुनाव में वोटरों ने चिराग पासवान के पैरों तले जमीन खींच ली, अब चिराग के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की वाली स्थिति पैदा हो गई है। फिर भी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए कैंडिडेट को हराने की जीत तोड़ कोशिश करने वाली लोजपा को आस है कि मोदी कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी। बिहार में 24 घंटे में 27 मर्डर, आईपीएस पर बम से हमला, जेल पर फायरिंग। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, 24 घंटे के अंदर 26 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा आईपीएस समेत पुलिस के जवानों पर बम से अपराधी हमला कर चुके हैं। यही नहीं, छपरा जेल के गेट पर भी अपराधियों ने फायरिंग की है। वैशाली के बिहतूर में 3 को गोली मार दी है, छपरा में भी जवान को गोली लगी है। चारों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पक्ष के नेता सवाल पर सवाल कर रहे हैं। किसान और सरकार के बीच बातचीत शुरू, केंद्रीय मंत्री के साथ किसान नेता कर रहे बैठक। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसान का पिछले 5 दिनों से आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान पिछले 5 दिनों से धरना देकर बैठे हुए हैं। आज उनके प्रदर्शन का 6ठा दिन है। आंदोलन कर रहे किसानों के नेता किसान भवन पहुंच गए हैं। यहां किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बैठक शुरू हो गई है। विज्ञान भवन में राजनाथ सिंह की अगुवाई में सरकार बैठक कर रही है। कर घर वापस लौट रहे शख्स का मर्डर, दिन दहाड़े अपराधियों ने मारी गोली। बेखौफ अपराधियों ने दैनिक मजदूर को घर वापस लौट रहे भवानीपुर पंचायत वार्ड नंबर 10 पासवान टोला निवासी स्वर्गीय उपेंद्र पासवान के बेटे चंदन कुमार पासवान को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पड़ा दूल्हे का रूठना, शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कई अजीबोगरीब बातें सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहंसी गांव की से सामने आई है, जहां एक दूल्हे को नाराज होना महंगा पड़ गया। दरअसल करहंसी गांव में आई बारात के दौरान वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दूल्हा समेत उसके चाचा और भाई जख्मी बताए जा रहे हैं। चाचा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। डीआईजी मनु महाराज ने 2 दरोगा को किया सस्पेंड, काम में लापरवाही बरतने वाले की खैर नहीं। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ ही घंटे के भीतर हत्या जैसी बड़ी वारदातों को अपराधियों ने विभिन्न जिले में अंजाम दिया है, जिसे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। डीआईजी ने 2 दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। प्रतिवाद दिवस को राजद का समर्थन, किसान पर हमले के खिलाफ 2 दिसंबर को होगा आंदोलन। किसानों के आंदोलन पर लगातार हो रहे बर्बर हमले के खिलाफ
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 दिसंबर को राज्य भर में प्रतिवाद दिवस मनाएगी। राज्य भर में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को RJD का समर्थन मिला है। 2 दिसंबर को राज्य के सभी जिले में किसान आंदोलनकारी के ऊपर सरकारी हमले के विरोध में प्रतिवाद दिवस मनाया जाएगा और जिला से लेकर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर धरना प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जाएगा। हाल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। फिर मिले 482 नए मरीज। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 6,035। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 482 नए मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक कोरोना के मरीज की संख्या पटना जिले से पाई जाती है, जहाँ 133 नए मरीज पाए गए हैं। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।